रूपम तस्याग्रजिवुरिपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवर्महो राधिका माधवासं प्राप्तो जस्य प्रथित कृपया श्री गुरुं तं नतोऽस्मि वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। यं प्राव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मेतया तर्वोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमाम चरणन्तिके। अंगश्यामलिमिछटाभिरभितो मन्दे कृतेन्दे वरं जड्डञ्जागुटरोचि संविदधतङ्गपट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितोज्ज्वलभुजं ध्यायेम दामोदरं। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि श्री गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। टुडे इट बिकम सो लेट आई वांटेड दैट सो मेनी डिवोटीज गुड स्पीकर्स दे विल स्पीक टुडे but it became so late, so I think we will do it in Mathura. I wanted that some good drama play with teachings we should do, manage, but we could not manage here. So I want that it should be managed in Mathura and Govardhan and Barsana. Don't miss. Gyanda Prabhu, Gyandas Prabhu and others should manage. When he is coming, then he should come also. And you should take test some so that we can produce very good drama with the teachings as we did in foreign countries. So very good, good. वरं देव मोक्षं न मोक्षवधिं वा न चान्नं वृणहं वरेषादपिह ईदन्त बपुर्नाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्याबीरास्तं किमन्यै नामामीश्वरं सचिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलम् गोकुले भ्राजमानम्। डोंट डिस्टर्ब मी अदरवाइज माय अटेंशन गोज देयर एंड एवरीथिंग लॉस। डोंट मेक आर्टिफिशियल, ट्राई टू मेक योर हार्ट लाइक दैट कैमरा फॉर यू, अदरवाइज यू लूज एवरीथिंग, इट विल बी ब्रोकन एंड एवरीथिंग विल लॉस्ट। दे कैन नॉट हेल्प। द बरंग देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा। सतव्रत मुनि प्रार्थना कर रहे थे। सतव्रत मुनि प्रार्थना करते छिले, आविष्ट हुए मने मने तार वही लीला चिंतन आकृष्ट। उना प्रार्थना सुने तत्खना तार सामने उपस्थित हो, कृष्ण उनके सामने में उपस्थित हो गए।
भाई तुमने तो हमारी बहुत सुंदर स्तव स्तुति की, अब तुम कुछ बार मांग लो, जरूर कुछ बार मांगो, मैं प्रसन्न हो गया तुम्हारी प्रार्थना से, इसलिए जरूर कोई बार मांगो। सत्यव्रत मुनि अविष्ट थे, जल्दी से मांग नहीं सके, इसलिए कृष्ण स्वयं ही बोले, देखो धर्म अर्थ और काम और मोक्ष यही तो संसार के लोग चाहते हैं, विशेष करके सत्य युग में। तुम धर्म अर्थ काम ये ठीक नहीं, इसलिए मोक्ष ले लो, बहुत ही दुर्लभ है। बहुत हजारों वर्ष लोग तपस्या करते हैं इस मोक्ष के लिए, तो तुम ले लो। यह सुनकर के वो कहने लगे, बड़े दुखी हो गए और बोले, वरं देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा न चान्यहम विनेहम वरेषादय। आप जितने भी वर देने वाले हैं, उन वर देने वाले में सबसे श्रेष्ठ उन ईश्वरों के भी ईश्वर है, इसलिए आप वर देश वर देने वाले में श्रेष्ठ हैं, आप सब कुछ वर दे सकते हैं ये मैं जानता हूं, किंतु हे प्रभो वरं देव, हे देव हमको आप वर दीजिए, मैं मांगता हूं। न मोक्षम वा मोक्ष अवधिं वा, मैं मोक्ष नहीं चाहता और मोक्ष की अवधि तक नहीं चाहता। तो मोक्ष की अवधि क्या है? मोक्ष की अवधि, मोक्ष होता है पांच प्रकार का, कौन कौन? सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य, षष्टि और सायुज। भगवान के समान लोक, भगवान जैसा रूप, भगवान जैसा ऐश्वर्य और सालोक्य साय भगवान के समीप और भगवान में मिल जाना, ये पांच प्रकार की मुक्तियां हैं। भक्त लोग इसमें से किसी किसी स्थिति में चार मुक्तियों को तो ले लेते हैं कोई कोई भक्त लोग, किंतु पांचवी जो है भगवान में मिल जाना, एक हो जाना, सायुज्य की मुक्ति कभी नहीं लेते, क्योंकि वो भक्ति का और सेवा का विरोधी है, उसको सब समय बॉयकॉट करते हैं, किंतु इन चारों को ले लेंगे। ये चारों प्रकार की मुक्तियां हैं, दो प्रकार की है, स्वसुख सुखई ऐश्वर्योत्तरा और प्रेम सेवा उत्तरा। क्या ये संसार में बहुत कष्ट है, इसलिए भगवान के समीप रहेंगे, भगवान जैसा ऐश्वर्य हो जाएगा, भगवान जैसा रूप हो जाएगा, और एक क्या रह गई, ये चारों प्रकार की चीज मुक्तियों को लेकर के भगवान के समीप में रहेंगे तो कोई भी दुख कभी के लिए नहीं होगा हमारे, और हमें प्रचुर सुख मिलेगा, इसलिए लेते हैं। और दूसरे प्रेम सेवा उत्तरा, प्रेम सेवा जैसे हनुमान इत्यादि, ये प्रेम सेवा युक्त है। जय विजय ये प्रेम सेवा के लिए, भगवान के समीप भगवान जैसा ही चतुर्भुज रूप धारण करके उनकी सेवा करते हैं। तो ये कहां होता है? मुक्ति वाले जो साधारण रूप में वैकुंठ के नीचे धाम में वहां रहते हैं और इन चार प्रकार की मुक्तियों को पाते हैं। वैकुंठ में भी ये चारों प्रकार के सुख वाले भी रहते हैं, किंतु वो दूर से कुछ सुख भोगते हैं, उसमें कुछ लालसा रहती है, किंतु प्रेम सेवा उत्तर में मुक्ति में भी उसमें भगवान की सेवा करके वो आनंद पाते हैं।
इसलिए दोनों में कुछ अंतर है, किंतु इसमें प्रेम सेवा उत्तरा इसमें भी कुछ थोड़ी सी ऐसी है जो भक्त लोग इसको भी नहीं लेते। उसमें क्या है, उसमें अपनी कोई भी इच्छा नहीं, संपूर्ण रूप से अपने सुख की लालसा नहीं, वो नारायण इत्यादि की सेवा के लिए, नृसिंह कल्कि बामन राम इत्यादि की सेवा के लिए कुछ करते हैं। इसलिए वैकुंठ, वैकुंठ में जो उनकी सेवा होती है ये अवधि है, मोक्ष की अवधि। आरंभ कहां से हुआ, शिवलोक से ऊपर से, वहां से आरंभ होकर के और वैकुंठ तक गया। तो मैं मुक्ति नहीं चाहता और मुक्ति की अवधि वैकुंठ की सेवा तक नहीं चाहता, बा च अन्यम, अन्य मुक्ति भी नहीं, अन्य कुछ भी नहीं चाहता। अन्य माने क्या, यहां पर उन्होंने सनातन गोस्वामी ने दिया, श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन इत्यादि जो नवधा भक्ति है, इससे जो प्राप्त करने वाली जो भगवान की और सेवाएं हैं और जो धाम है, इसको भी नहीं चाहता। श्रवण कीर्तन वाला भी मैं नहीं चाहता। इसके अतिरिक्त और भी है, और क्या है, राम की सेवा बड़ी बड़ी अच्छी है। हनुमान जी राम की सेवा करते हैं, सीता जी करते हैं, भरत जी करते हैं, ये सेवाएं चाहते हो नहीं? अच्छा तो तुम क्या चाहते हो, द्वारकाधीश की सेवा चाहते हो, वहां पर रुक्मिणी सत्यभामा के अनुगत्य में उनकी सेवा चाहते हो? ओ नच नहीं, इसको भी नहीं चाहते हैं। फिर तुम कृष्ण की वृंदावन में चित्रक पित्रक जैसे कृष्ण के दासरस की सेवा चाहते हो? वृंदावन में शांत रस तो है ही नहीं, छिपा हुआ है किंतु छिपा हुआ, और दास्य में भी शुद्ध दास्य नहीं है, शुद्ध दास्य वैकुंठ में है, नारायण तक में शुद्ध दास्य है। वहां पर कैसा है, दास्य है किंतु या तो सख्य दास जैसा, सख्य से मिला हुआ, या वात्सल्य रस से मिला हुआ, ऐसा वहां पर दास्य भाव है। नंद महाराज का कोई भी सेवक दास वो कृष्ण का दास ही है, किंतु कृष्ण उसको चाचा कहते हैं, पिता जैसा कहते हैं, वात्सल्य से मिश्रित रह करके कृष्ण को दुलार करता है, प्यार करता है, चुंबन करता है, उसको खिलाता है, उसमें वात्सल्य और सख्य भाव उसमें रहता है, इसलिए शुद्ध दास्य नहीं है। अच्छा तो तुम ऐसा दास्य भी ले लो, नहीं नहीं हमको ये भी नहीं चाहिए। अच्छा तो एक दुर्लभ वर देता हूं, क्या क्या दुर्लभ वर देता हूं, तुम सख्य रस से हमारी सेवा करो। प्रभु ये बहुत ऊंची चीज है, तो अभी ये मुझे पसंद नहीं है। क्या चीज पसंद है, इदंते बपुरनाथ गोपा, हे नाथ हे बपुरनाथ, गोपाल बालम सदा में मनस्या विरास्तम, आपका यह केवल बाल गोपाल रूप ही हमारे हृदय में स्फूर्ति प्राप्त हो। नंग धड़ंग यशोदा जी उनके कमर में बांध रखा है, आंसू आ रहे हैं, ऐसे जो कृष्ण हैं बाल गोपाल यशोदा जी के वशीभूत, ऐसे बाल गोपाल की मूर्ति सदा में मनस्या हमारे मन में सदा सम समय आविर्भूत हो। इसके अतिरिक्त की मन नहीं, मैं कोई और वर नहीं चाहता, कुछ भी नहीं चाहता, यही चाहता हूं। ओह ये सुन एक्सप्लेन देन आई विल। चैतन्य चरितामृत इत्यादि का सहारा लेना होगा,
विशेष करके बिना बृहत भगवतामृत का आश्रय किए सेवा किए हम लोग इस विषय को नहीं जान सकते। बृहत भगवतामृत में श्री सनातन गोस्वामी ने बतलाया है प्रेम हमारा प्रयोजन है, प्रेम प्रयोजन, किंतु कैसा प्रेम? प्रेम ऐसे उपास्य नहीं होता। कब होता है? जब वह किसी भक्त में वह प्रवेश करके अपने उपास्य की जबकि उस भावना से सेवा करता है तो वो समझ में कुछ आता है, नहीं तो नहीं आएगा। क्या कहा मैंने? प्रेम है ठीक, किंतु किसी स्पेशल भक्त में, विशेष भक्त में, हृदय में प्रवेश कर जब अपनी सेवा की परिपाटी को की अभिव्यक्ति करता है तब वो समझ में आता है, ऐसे समझ में नहीं आता। इसलिए इस प्रेम को पांच भागों में बांटते हुए पांच प्रकारों की भक्ति भक्तों को उन्होंने बतलाया। पांच प्रकार के भक्त हैं। कैसे भक्त? जिनमें वह प्रेम है। एक एक से बढ़ करके उत्तरोत्तर ये बढ़ता गया है। कैसे? पहले हुआ ज्ञानी भक्त, फिर हुआ शुद्ध भक्त, प्रेम प्रेम प्रेमी भक्त, फिर प्रेम पराभक्त, प्रेमातुर भक्त। बस यहीं तक भक्ति की गिनती है। और इनमें पांचों में अपने प्रेम सेवा की परिपाटी से अपने उपास्य कृष्ण की सेवा करते हैं, ऐसा ही प्रेम प्रयोजन है। इनका कैसा प्रेम? अभी तक जो बतलाया, इनका प्रेम वात्सल्य प्रेम तक के लिए इन्होंने प्रार्थना की, जे हमारा प्रेम उस बाल कृष्ण में हो जो श्रीमती राधिका, श्रीमती यशोदा मैया के जो बालक हैं, पुत्र हैं, और उनके प्रेम के द्वारा जो वशीभूत होकर के बांध दिए गए हैं, ऐसा ही कृष्ण के प्रति हमारा भाव हो, सेवा की भावना हो, मैं भी ऐसे ही सेवा कर सकूं। यहां तक तो इन्होंने दिखलाया। इसको परिस्फुट रूप से दिखलाने के लिए, अच्छी तरह से दिखलाने के लिए मैं इस जो अभी सनातन गोस्वामी जी ने कहा है, ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेम पर भक्त और प्रेमातुर भक्त, किसको कहते हैं हम इसकी अब व्याख्या कर रहे हैं। ज्ञानी भक्त किसको कहते हैं? अब इसको समझने के लिए पहले बतला आप समझिए, ज्ञानी किसको कहते हैं? ज्ञानी किसको कहते हैं? ज्ञानी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निर्विशेष ज्ञानी और एक होता है सविशेष। भगवान के नाम रूप गुण लीला को तत्वतः जानते हैं, उस तत्व को, उसको ज्ञानी कहते हैं। पहले वाला जो ज्ञानी कहा, जो भगवान के नाम रूप गुण लीला को नहीं मानते हैं, संसार को असत्य मानते हैं और जीव को ही ब्रह्म मानते हैं, वो एक प्रकार के ज्ञानी हैं। कि जीवो ब्रह्म ही बना पर ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म ही बना पर, ये मिथ्या जगत है, सत्य ही ब्रह्म है, एकमात्र सत्य है और जीव ही ब्रह्म है, एक प्रकार के ज्ञानी। ये भक्ति के विरोधी हैं और भक्ति के चरणों में अपराधी है। यहां पर इस ज्ञानी भक्त को नहीं कहा गया, वो रिजेक्टेड हैं, भगवान के चरणों में अपराधी हैं। दे आर रिजेक्टेड, दे आर ऑफेंसिव इन द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। सो